नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज भारतीय जन परिवार पार्टी के द्वारा एनडीए गठबंधन को सभी 40 सीट पर भारतीय जन परिवार पार्टी समर्थन करती है, जिसमें बीजेपी 17 सीट, जेडीयू 16 सीट, आरएलजेपी 5 सीट, हम जो है 1 सीट और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको 1 सीट पे, पूरी 400 सीट पे जो है समर्थन करती है भारतीय जनता परिवार पार्टी के द्वारा। और आज जो है भारतीय जनता परिवार पार्टी के द्वारा सभी एनडीए को सभी 40 सीट पर समर्थन करती है और सभी 40 सीट पर जो है इस बार जो है जिताने का काम करेगी, जिसमें बीजेपी 17 सीट, जेडीयू 16 सीट और आरएलजेपी 5 सीट, हम 1 सीट और आरएलएम 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को समर्थन करती है। पृथ्वी, सवाल ये है कोई शर्त भी है या बस बिना शर्त समर्थन करती है? और आगे भी देखे होंगे, इससे पहले भी कई चुनाव में हम लोग समर्थन किए हैं और आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, मेरे समाज को हक और अधिकार देने की बात कही गई। इन पार्टियों को समर्थन करें, इसमें कोई भी आदमी आपको प्रचार करने के लिए दावत दिया है? हाँ, कई लोग से शीर्ष नेतृत्व कई का आप देख सकते हैं, कई बार हम लोगों की बात हुई है और अभी भी कहा है कि आप लोग मदद कीजिए। पार्टी ने आपको निमंत्रण दिया है कि आप प्रचार के? हाँ हाँ, बराबर आ रहा है, फोन के माध्यम से हमको सूचित किया जाता है। और जो यहाँ कौन कौन पार्टी नहीं, जैसे आपका जो है सो चिराग जी हो गए, उसके बाद जो है सो बीजेपी हो गए, जेडीयू हो गए, सभी सीट पर एनडीए को हम समर्थन करते हैं। आखिर क्यों समर्थन कर रहे हैं? समर्थन करने का मेन कारण है कि हम लोग वंचित समाज है, हम लोगों को आज तक जो है एक भी विधायक नहीं है, ना एक एमपी है, ना एक एमएलए है, ना कोई भी है, तो हम लोगों को आश्वस्त किया है कि अगले 2025 में जो चुनाव होगी आप लोग इसके समाज से सदन में जाने का हम लोग भेजने का काम करेंगे। आपके पार्टी के साथ तो गठबंधन भी नहीं है औपचारिक? नहीं, ठीक है, तब पर भी अभी देखिए, जैसे पशुपति पारस को जी देख लीजिए, वो तो सहयोगी कर रहे हैं ना, हम भी वैसे सहयोगी कर रहे हैं और ऐसी कई बात है कि हम लोग पारस के साथ तो उनका गठबंधन है। अभी तो बीच में आप देखे होंगे ना कि टूट गया था, उसके बाद भी सहयोग कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो अच्छा विचारधारा मेरी विचारधारा से कहें हम उनको जो है तो समर्थन करें। और आज से हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, 3 साल से कई जो है कई मतलब उपचुनाव में जो है हम उनके साथ हैं। विधानसभा में क्या आपको टिकट दिया? हाँ, आश्वासन मिली है, स्पष्ट शब्दों में मिली है आश्वासन, अशिष्ट नेतृत्व के द्वारा मिला है ना, बीजेपी के द्वारा हमें मिला है जो विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ आश्वासन मिला है? हाँ हाँ, बराबर। क्या मिला है थोड़ा स्पष्ट करें? नहीं, हमारे समाज को जो आज तक वंचित समाज है उनको जो है हक अधिकार की बात मिला है। बिहार में किन सीटों पर आप प्रभाव ज्यादा डाल सकते हैं, किन सीटों पर चुनाव करेंगे? बहुत सारे ऐसे सीटें हैं जिस पर जो है सो हम जो है सो पूरे जोर शोर से लगेंगे। देखिए, आज हम गया मतलब आज जो है हम जो गया और मतलब जम्मू जा रहे हैं और उसके बाद जो है सो कई मुजफ्फरपुर हो गया, उसके बाद बेतिया हो गया, उसके बाद दरभंगा, खुद मेरा गिरी जिला है दरभंगा हो गया, उसके बाद मतलब कई ऐसे शिविर हो गया, ये सब चीज़ पर मेरे समाज की संख्या ज़्यादा है, जैसे वैशाली हो गया, तो ये सब कई ऐसे जिला है जिस पर मेरे समाज की संख्या अधिक अच्छी खासी है और हम इस सब चीज़ पर प्रभाव दे सकते हैं। और ये वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो क्या होगा वो प्रतिशत लगभग जहाँ पे आपका प्रभाव? नहीं, अच्छा रहेगा, हम लोग इस बार 40 के 40 सीट जीत रहे हैं और मेरे समर्थन से जो है जो फासला जो मतलब 10,000, 20,000 या 50,000 का जो फासला रहेगा वो मेरे समाज के लोग कायम करेंगे उसको। बिहार आपको बात को मान रहा है? नहीं, आप देख रहे हैं समाज में कोई नेता ही नहीं है, आज तक आप देखे हैं कि मेरे आने से समाज जो है सो आगे बढ़ा है, आज तक जो है सो मान समाज आज तक कैसे आप बात करते हैं, एक बात बताइए, आज तक ना एक विधायक है ना एक एमपी है 75 साल में, जबकि हम लोग की संख्या भी अच्छी खासी है। 2013 का जनगणना अगर किया जाए, 2013 में जो है उसमें 16 लाख बताया गया, हाँ इसमें जो है सो कुछ आकलन 19-20 हुआ है, अगर आगामी हम लोग इसको जो है सो देख लेंगे, अगर हम लोग जो है 400 सीट पर जो है पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ है। वो कौन सा वो कमी रह गया सर जहाँ पे कि आपके ना कोई विधायक है ना कोई एमपी? ये तो आप जो विपक्ष के आदमी हैं या पक्ष के उससे आप ये सवाल कीजिए, जैसे आरजेडी जो है 15 साल से रहा और वो कहता है कि हम वंचितों का मतलब देखभाल, आज तक देखिए आप आपके सामने ये सवाल भी रखा था। लालू प्रसाद यादव जो है लगातार कहते रहते हैं कि हम गरीबों का नेता हैं, आप देख सकते धरातल पर है, मेरे समाज से एक भी विधायक नहीं है, जबकि मारी समाज प्रत्येक घर में जाते हैं,
प्रत्येक घर से उनका संबंध है, तो भी आज तक एक भी मतलब विधायक नहीं है। हम तो आपके सामने हैं, आपने आप साल का याद दिलाया, लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार है, उन्होंने तो सम्मान नहीं दिया। आप देख सकते हैं, हमको इसीलिए हम जा रहे हैं कि 25 में मेरे समाज को हक अधिकार की बात हमसे मतलब अस्वस्थ शब्दों में बोला गया है कि हम आपके समाज को आगे बढ़ाएं। तो कितना काम करने की जरूरत है आपकी पार्टी को? नहीं, बहुत ज़्यादा काम कर भी रहे हैं, 4 साल से तो आप लोग के सामने हैं, आगे भी रहेंगे, समाज को आगे ले जाएंगे। और मैं अपनी समाज की बात नहीं करता, मैं अति पिछड़ा समाज का, जो भी वंचित समाज है, सबको आगे ले जाने का काम करूँगा। तो आप जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, क्या आपको भी समर्थन मिलती आई है? हाँ, आप हर चीज़ में देख रहे हैं, बात तो हो ही रही है। अभी जो है सो लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव था, इसीलिए जो हम लोगों की बात चल रही थी, मगर विधानसभा में हमको आश्वस्त किया। उम्मीद है विधानसभा? हाँ, बराबर। आप लोग चलाए भी हैं और देखे उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी आपको कुछ मिला नहीं? हाँ, ठीक है, मगर थोड़ा सा मतलब राजनीतिक में थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, और संयम रखने से जो है सो आपका समाज आगे बढ़ेगा। और इस बार जो है 25 में जो है हर हालत में मेरे समाज को, आप लोग को मिठाई भी खिलाएंगे, हर समय मेरे समाज जो है आगे जाएगा। क्या होगा, कुछ सीट का डाटा भी मिला है क्या विधानसभा में? ठीक ठाक रहेगा, अभी तो एक भी सीट नहीं दिया 75 साल में। अब जो भी देगा तो मेरे लिए तो उपलब्धियाँ ही हो रहेगी। अब आगे भी मैं देखता हूँ, मगर इस बार जो है हम लोगों का ठीक ठाक रहेगा। 25 में हम लोग के समाज जाएगा, और समाज जाने के समाज का मुद्दा होता है, बहुत सारे मुद्दे हैं, फूल मंदी का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो समाज जो है इसको लेके आगे बढ़ेगा। उम्मीद किससे, भाजपा से? नहीं, भाजपा के द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया है, और जितने NDA के घटक दल हैं सब ने मुझे जो आश्वासन दिया है, और देखिए हम क्या। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।